हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो किसमें कितना है दम, वो वाला गाना आप लोग को याद आ रहा है ना, ये वाला डायलॉग सुन के एक आओ देखे जरा किसमें कितना है दम। यही बात हो रही है बिग बॉस 18 के घर में। नॉमिनेशन टास्क हो रहा है गाइस, और उसमें श्रुतिका को पावर मिली है कि वो किसी जो वो बोलेगी जिस चीज़ को नॉमिनेट करने का वो नॉमिनेट हो जाएगा, ये वाला पावर मिला है बिग बॉस ने, उसको पावर दिया है। हालांकि श्रुतिका का उतना कुछ रोल है नहीं, हम मतलब कॉमेडी वाला रोल है, बट वही है कि अपना वो कुछ मुद्दे हैं नहीं। वो शिल्पा जी के आसपास रहती हैं और शिल्पा जी आजकल अविनाश से कटी कटी हैं। आप सब ने देखा ही होगा, जब से वो जेल में गया है तब से वो काफ़ी कटी कटी रहती हैं। उनको चिकन नहीं दिया उसने खाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आजकल बन नहीं रही हैं अविनाश से शिल्पा जी का, तो इसलिए जब शिल्पा जी का नहीं बन रहा अविनाश से, तो ऑफकोर्स श्रुतिका का भी नहीं बनेगा, नायरा का भी नहीं बनेगा, चुम का भी नहीं बनेगा। तो यही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो श्रुतिका का वैसे डायरेक्टली है नहीं अविनाश के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा, ऐसे हुआ नहीं, ऐसे देखने को मिला नहीं हमें। बट फिर भी उसने जो अपना श्रुतिका है उसने अविनाश को नॉमिनेट किया और बोला कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चीज़ें होता है ना कि वो डराते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। तो इस पर अविनाश को तो आपको पता ही है वो कैसे हैं, वो तो छोटी छोटी बात पे उनका बम ब्लास्ट हो जाता है। तो अविनाश उस पर गुस्सा हो गए और बोले कि हाँ मैं डराता हूँ और तुम्हें डर के ही रहना पड़ेगा, डर के ही रहना चाहिए, तुम्हें तो दम ही नहीं है कि कुछ बोल सको, ऐसे कहना है अविनाश का श्रुतिका के लिए। अब श्रुतिका भी अपना उसको भी गुस्सा आ गया, उसने भी बोला कि तुमको जितना पैसा मिल रहा है ना उससे ज़्यादा, उससे बढ़ के तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम एक नंबर के बड़े वाले एक्टर हो और तुम जितना मिल रहा है ना पैसा बिग बॉस में उससे ज़्यादा तुम एक्टिंग करके दिखा रहे हो। तो इस बात पे और चिढ़ गया अविनाश और उसका कहना है कि तुम फ्लॉप हो और तुम्हें मैं घर से तुम्हें डर के रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं निकाल दूंगा, ये वो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो अविनाश बोलते हुए नज़र आए श्रुतिका को। और श्रुतिका भी डरी नहीं, एक बात तो मानना पड़ेगा कि श्रुतिका भी डरी नहीं ऐसी चीज़ों से जो कि अविनाश वहाँ पे खड़े होके बोल रहे हैं। तो बेसिकली होता है ना अग्रेशन में वो चढ़ने आ जाते हैं किसी पे, मतलब होता है ना एक आदमी अपने जहाँ खड़ा है वहीं से बोल रहा है, लेकिन एक आदमी होता है कि जितनी बार बोलता है उतना आपके आगे आता जाता है, आपके सामने आके बोलता है, चल चल के बोलता है, उस टाइप का नेचर है अविनाश का। वो अगर किसी से बात भी करते हैं मतलब कि गुस्सा होके, तो वो उसके सामने जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं ऐसे लगता है। तो इसी जैसे कि वो चेयर पे बैठी हुई है श्रुतिका और ये जाके ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हें डरना चाहिए, तुम फ्लॉप हो, तुम्हें मैं निकाल दूंगा, गेट के बीच से निकाल दूंगा, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन श्रुतिका डर नहीं रही यहाँ पे, वो भी डट के उसको भी जो भी बोलना है वो बोल रही है। और एक बात और, जो हमारी शिल्पा जी हैं उनको पता नहीं चाहत से क्या प्रॉब्लम है, जब से वो मतलब आई थिंक तीसरा नॉमिनेशन है तो तीनों बार वो चाहत को ही नॉमिनेट किए हैं। मेरे को तो मैंने तो उनका शिल्पा जी और चाहत का लड़ाई कभी देखा ही नहीं है, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, हर बात में चाहत, हर बात में चाहत को ले आती है जब भी नॉमिनेट करना होता है। मुझे लगता है उनको एक सॉफ्ट चीज़ मिल गया है कि बाकी पूरे घर वालों के गुड बुक्स में रहो और इसको क्या छोड़ो, इसको एक टारगेट कर लो चाहत, जितना दिन रुकूंगी घर में सिर्फ चाहत को ही नॉमिनेट करूंगी, उससे किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि घर में भी कोई चाहत को उतना खास पसंद करता है नहीं। तो उसने एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ लिया है चाहत को हर बार में। उन्होंने ये बोला कि जो पिछले वीक हुआ उसके चलते, बट पिछले वीक हुआ क्या, चाहत के साथ तो उनका कुछ हुआ नहीं है, हुआ तो उनका अविनाश के साथ है पिछले वीक, बट उसने शिल्पा जी ने चाहत को क्यों नॉमिनेट किया ये समझ नहीं आया मुझे। उनका भी डबल स्टैंडर्ड वाला वो गेम दिख रहा है, पहले तो बड़े स्वीट स्वीट सी लग रही हैं लेकिन अभी वो उनका भी असली चेहरा निकल के आ रहा है, हर बात में चाहत को पता नहीं क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं। भाई तुम्हारा जिससे पंगा है डायरेक्ट तुम उसको नॉमिनेट करो ना, बिना बात के क्यों कर रहे हो जी,
जिससे तुम्हारा कभी कुछ हुआ ही नहीं है, कोई झगड़ा हुआ ही नहीं है, हर बात में तुम उसी को नॉमिनेट कर रही हो, ये तो सही नहीं है ना, ये तो जबरदस्ती हो गया है तरह से देखा जाए तो। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और शायद लोगों को भी ये बात पसंद नहीं आएगी। नोटिस तो करेंगे ही लोग जरूर कि ये जितना स्वीट बन रही थी शिल्पा जी उतना स्वीट है नहीं है, बिना बात के टारगेट कर रही हैं उस लड़की को जिसने आपसे कभी बदतमीजी से बात नहीं की, डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, अच्छे से हमेशा बात करती है, फिर भी आपने एक वो उसको वो कर रखा है, सॉफ्ट ढूंढ रखा है कि जितना दिन मैं इस घर में रुकूंगी इसी को नॉमिनेट करूंगी ताकि बाकी लोगों से बनी रहे। तो काफ़ी मतलब निगेटिव ही जा रही हैं अभी तो देखा जाए तो शिल्पा जी, और मुझे तो काफ़ी मतलब पहले पसंद आ रही थी अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, जिस तरह से हरकतें उनकी निकल के आ रही है चाहत के लिए अविनाश के लिए तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। और आप बताइए आपको कैसा लग रहा है उनका गेम, और श्रुतिका और अविनाश का लड़ाई में कौन सही लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।